हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मेरा जो शील्ड है उसके ऊपर एंजेंटमेंट लगा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप कैसे अपना शील्ड को एंजेंटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने शील्ड को एंजेंटमेंट के ऊपर लगाते हैं, मतलब देखो इधर मैंने अपने शील्ड को एंजेंटमेंट पर लगाया, एंजेंटमेंट टेबल के ऊपर, लेकिन इधर हमको कुछ भी नहीं दिखा रहा दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने अपने शील्ड को इधर एंजेंटमेंट किया, आप इधर देख सकते हो, इसके ऊपर अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग है दोस्तों। तो वो मैंने कैसे किया, तो दोस्तों वो करने के लिए आप लोगों को पहले आ जाना पड़ेगा एनविल पर। एनविल पर आप लोगों को लगाना पड़ेगा शील्ड और आप लोगों को किताब होना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये किताब है अनब्रेकिंग 3। तो अनब्रेकिंग 3 मैंने जैसे ही लगा दिया, आप इधर देख सकते हो इसके ऊपर एंजेंटमेंट लग चुका है, वो है अनब्रेकिंग 3। तो मैंने अनब्रेकिंग 3 ले लिया दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये वाला शील्ड है। ये वाला शील्ड में सिर्फ और सिर्फ अनब्रेकिंग 3 लगा है। तो मैंने फिर से इसको लगा दिया और फिर से मैंने मेंडिंग 1 पर टैप कर दिया दोस्तों। ये वाला बुक भी मैंने रख दिया। तो आप इधर देख सकते हो, ये वाला जो शील्ड है अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग दोनों हो गया दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। इसके ऊपर मेंडिंग भी आ गया, इसके ऊपर अनब्रेकिंग भी आ गया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। मैंने 3 शील्ड ऐसा ही बनाया दोस्तों, तीन शील्ड मैंने बनाया। अब भी ऐसा बना सकते हो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आए तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो। तो मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा।